हाय गोदावरी किचन में आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं सेजवान फ्राइड राइस बनाने जा रही हूँ। मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डाला है और तेल हमारा गरम हो गया है। और सबसे पहले हम 7-8 लहसुन है उसको छोटे छोटे टुकड़े करके डाल रहे हैं। थोड़ी सी अदरक है उसको भी थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके डाल रहे हैं और साथ में 1/2 कटोरी गाजर है छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 1/2 कटोरी बीन्स है इसको भी छोटे छोटे टुकड़ा कर लिए हैं। एक छोटा प्याज है उसका छोटे छोटे टुकड़ा कर लिए हैं और डाल रहे हैं। आधा कटोरी शिमला मिर्च है इसको भी छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। 2 कटोरी पत्ता गोभी है इसको भी छोटे छोटे टुकड़े करके डाल रहे हैं। ये सारे सब्जियों को हमको तेज आंच में ही फ्राई करना है। इसको 1/2 कटोरी मटर है इसको हम 5 मिनट थोड़ा उबलता पानी में डाल लिए थे और ठंडा करके इसको डाल रहे हैं। और 1/2 चम्मच नमक है इसको स्वाद के अनुसार डाल रहे हैं क्योंकि नमक हम अभी कम ही डाल रहे हैं क्योंकि राइस पकाते समय चावल में भी हम डाले हैं नमक। सारे सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, फिर से इसको हमें क्रंची ही बनाना है और तेज आंच में ही इसको फ्राई करना है। हमारा सब्जी फ्राई हो गया है, एकदम पकाना नहीं है, इसलिए अब इसमें हम सेजवान सॉस डाल रहे हैं। ये 7 बड़े चम्मच है इसमें हम डाल रहे हैं, 7 चम्मच है ये। फिर हमें चम्मच चला के अच्छे से थोड़ा देर पकाना है। ये बासमती चावल था इसको हम 1/2 घंटा डुबा के रखे थे, फिर पानी खौला। पानी में हम 1 चम्मच तेल डाला, 1 चम्मच नमक और 1/2 नींबू का रस डाले और इसको हम अच्छे से थोड़ा पका लिए फरफरा रहने तक। और इसको हम इसमें डाल रहे हैं, इसको ठंडा कर लिए हैं। ठंडा होने के बाद इसको हम डाल रहे हैं। एक चिमटी काली मिर्च पाउडर है इसको डाल रहे हैं और हमें सॉस कम लगा तो हम और डाल रहे हैं 2 चम्मच। फिर हम अच्छे से इसको मिला लेते हैं। 1 चम्मच विनेगर है ये और 1 चम्मच सोया सॉस है। इसको हमको अच्छे से मिला देना है। सॉस विनेगर अच्छा से मिल गया है पूरा। अब हम गैस बंद कर देते हैं और रख देते हैं। हमारा सेजवान फ्राइड राइस बन के तैयार है। इसको हम प्याज भाजी से गार्निश कर दिए हैं और बहुत ही अच्छा खिला खिला दिख रहा है। इसको मंचूरियन के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। वही चावल को पकाते समय थोड़ा ध्यान देना है, अच्छा से पकाना है और उसको फिर उसको छन्नी में छान के अच्छा से ठंडा कर देना है और बहुत जल्दी बन जाता है। बनाइएगा, खाइएगा और अपना अनुभव मेरे गोदावरी किचन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।